कहीं नहीं है। तो इसमें भारत इतिहास और वामपंथ, पहले इन शब्दों को जरा परिभाषित कर लें। क्या कारण था कि हम एक शक्ति थे, सांस्कृतिक ही नहीं हर क्षेत्र में हम शक्ति थे, और क्या कारण था कि हम फिर अशक्त हुए। भारत नाम के राष्ट्र, राष्ट्र शब्द जिस धातु से बना है उसी का अर्थ है रंजन करना, राजा भी उसी धातु से बना है, मनोरंजन नहीं रंजन, जिससे वास्तव में सर्वविध रंजन हो, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो, उस संस्था को राष्ट्र कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार संसार में एकमात्र राष्ट्र केवल भारत है और वो सनातन है, कभी मिट नहीं सकता है, कमजोर हो सकता है, उत्थान पतन होता है, ये मिटने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक इस संसार में आत्माएं हैं उन्हें कितना भी कुचलिएगा, वो जर्मनी में पैदा हो या भारत में, वो अपने कल्याण सेल्वेशन मोक्ष के लिए प्रयास करती रहेंगी। देर सवेर उनको कभी न कभी भारतीय दर्शन के शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष का दूसरा कोई मार्ग संभव नहीं है पृथ्वी पर। और जब तक वो छटपटाहट जीवों में रहेगी कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, फिर मरने के बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम कालमास की तरह केवल देह हैं, क्या उसके बाद भी हमारा कोई अस्तित्व रहेगा, ये जिज्ञासा जब तक रहेगी जीवों में तब तक भारत नाम का राष्ट्र रहेगा इस पृथ्वी पर। क्योंकि आप किसी भी देश में पैदा हो, यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो आपको भारत भारत को समझना पड़ेगा, भारतीय दर्शन की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि इन समस्याओं का समाधान दूसरे किसी संस्कृति किसी दर्शन में नहीं मिल सकता है। इसका यह कारण नहीं है कि दूसरे देश बुरे हैं खराब हैं, कारण यह है कि दूसरे देशों की जो संस्कृति उन्हें बहुत पहले मिटाई जा चुकी है, हम अभी तक बचे हुए हैं। जहां तक अभी असुरों का प्रवेश नहीं हो पाया है, उन दूर दूर के सुदूर देहातों में हम बचे हुए हैं, नगरों में नहीं। मैं तो खुलेआम कहता हूं मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, मैं भारत का देहाती हूं, वही हमारा भारत है। ये नगर क्या होता है, सिटीजन्स जो शहर में नहीं रहते वो देश के नागरिक नहीं है क्या? तो भारत नाम का जो ये राष्ट्र है उसकी शक्ति है भारती, जो गुरु की वाणी बनकर उतरे तो ईड़ा और शिष्य की मति का रूप धरे तो सरस्वती कहलाती। भारती, ईड़ा और सरस्वती ये तीसरों देवियां ऋग्वेद में इनके कई सूक्त हैं। जब तक वो शक्ति इस देश में विद्यमान थी, एक अकेला शिक्षक अपनी चुटिया खोलकर घूम गया तो देश के 6 लाख शिष्य उनके पीछे हो गए, और सिकंदर जैसी बड़ी फौजों को मारकर भगाया, देश के बुरे राजाओं को मारा, ठीक किया, सुधारा, वो शक्ति छीन हुई। आज भी चाणक्यों की कमी नहीं है देश में, लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि अब उनको चंद्रगुप्त नहीं मिलते। वो शक्ति जब से छीन हुई तो कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, 900 सिपाही थे रॉबर्ट क्लाइव के पास, हमें गुलाम बना लिया। संसार की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, यूरोप के व्यापारी हमारा माल खरीदने आते थे, बेचने नहीं आते थे, हमारी वस्तुएं अच्छी थी, चाहे भले हाथ से ही बनती हो। संसार के सबसे बड़े सेठ हमारे भारत में थे, मारवाड़ी सेठ थे, बंगाल के जगत सेठ, लेकिन मराठे भी उनको लूटते थे। और भारत की गुलामी का सबसे बड़ा कारण जो आज भी नहीं पढ़ाया जाता है हमारी पुस्तकों में, कि कैसे मुट्ठी भर लोगों ने हमें गुलाम बनाया, तो कारण था कि हमारे देश का शासक वर्ग जो था वो अपने को इस देश का नहीं मानता था, और हमारे देश का जो पूंजीपति वर्ग था, कर्म कामगार वर्ग था, उनको वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गियां मानता था। यूरोप के, इंग्लैंड के, हॉलैंड के जो सत्ताधारी वर्ग थे, वो सब वहां के व्यापारियों की रक्षा के लिए अपनी नौसेना भेजते थे, संसार में व्यापार करो, उस मुनाफा कमा कर लो। और हमारे देश के जो शासक थे, चाहे वो बंगाल के नवाब हो, चाहे मराठे भी हो, शिवाजी को छोड़कर, शिवाजी ने नौसेना बनाने का बड़ा प्रयास किया था लेकिन वो अल्पायु में चल गए, बाजीराव प्रथम भी अल्पायु में ही चल बसे, उनके बाद कोई भी सही मराठा, बाजीराव अद्वित की बेवकूफी से ही पानीपत के युद्ध में हार हुई थी। जितने भी दूसरे भारत के थे राजा सब, उन्होंने कभी भी भारतीय व्यापारी वर्ग का संरक्षण नहीं किया, नौसेना की ओर ध्यान नहीं दिया, लूटा। उसी से बचने के लिए जगत से अंत में
ईस्ट इंडिया कंपनी के शरण में गए थे, उन्होंने भी उसको धोखा दिया। उसी पैसे से मिर्जाफर मीर कासिम सबकी फौजों को खरीदा, सिराजुद्दौला को धोखा देकर मारा, और बाद में जगत सेठ को भी लूट लिया और मार दिया, उसको झूठे केस करके फांसी दे दी। हमारे पास पूंजी बहुत थी, टेक्नोलॉजी थी, आदमी थे, संख्या थी, फौज थी, सब कुछ था। ये जो सत्ताधारी शासक वर्ग था जो अपने को भारतीय नहीं मानता था, हमेशा अब्दाली की सहायता में भारत के सारे मुस्लिम बादशाह एकजुट हो गए थे, और बाजीराव द्वितीय की बेवकूफी के कारण से राजपूत और भरतपुर के सूरजमल भी मराठों का संग छोड़कर चले गए थे। उनका दोस्त नहीं था, मराठों का दोस्त था, उन्होंने सबको एक करने की कोशिश नहीं की थी। तो कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, हमारा नेतृत्व सही नहीं था, हमें कुछ ही और समय यदि मिल जाता तो अंग्रेज यहां राज नहीं कर पाते, लेकिन हमारी कुंडली कमजोर